हेलो दोस्तों, स्वागत है आज किस न्यू वीडियो में। वैसे तो गाइस हमारे आईफोन में ज़्यादा कस्टमाइजेशन का ऑप्शन दिखने को नहीं मिलती और ऐसे में गाइस हम किसी दूसरे के आईफोन में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। जैसे कि अगर हमारे घर में किसी और अगले बंदे के पास आईफोन रहता है तो उस वक्त हम लोगों को पता नहीं चलता कि भाई ये किसका आईफोन है और हम लोग डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। बट गाइस आपको मैं आज के इस वीडियो में एक ऐसा कस्टमाइजेशन ऑप्शन के बारे में बताने वाला हूँ जिसकी मदद से आप अपना आईफोन को डिफरेंशिएट कर सकते हो और आप अपने आईफोन को पता लगा सकते हो भाई ये मेरा आईफोन है। जी दोस्तों, जैसे ही आप अपने फ़ोन को यानी कि आईफोन को ऑन करोगे तो आपको पता चल जाएगा ये मेरा आईफोन। तो आपको करना क्या है, आप अपने आईफोन के फ़ॉन्ट साइज़ को बढ़ा दो, जी हाँ दोस्तों बढ़ा दो या फिर घटा दो या फिर आप अपने फ़ॉन्ट स्टाइल को चेंज कर दो। जी हाँ दोस्तों, ये कस्टमाइजेशन बहुत ही लाजवाब है और बहुत लोगों को नहीं पता है कि हम अपने आईफोन में कैसे अपने फ़ॉन्ट साइज़ को बढ़ा सकते हैं या फिर फ़ॉन्ट साइज़ को घटा सकते हैं या फिर फ़ॉन्ट स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। तो दोनों ही चीज़ इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ, कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ और इससे भाई आप अपने आईफोन को दूसरे के मुकाबले डिफरेंशिएट कर पाओगे और थोड़ा डिफरेंट लगेगा आपका आईफोन। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, तो वीडियो को एक भी पार्ट स्किप मत करना। तो चलिए वीडियो को शुरू करने से पहले आपको हमेशा की तरह दो काम करना, पहले तो इस वीडियो को लाइक कर दो क्योंकि लाइक करने से हम लोगों को मोटिवेशन मिलती है और साथ ही पता चलता है हमारी वीडियो कितने लोगों को पसंद आया। एंड जो सेकंड काम भाई, वो अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं हो तो रेड बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेट कर देना ताकि जो हमारे नए नए लेटेस्ट वीडियोस आएंगे उनके नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो चलिए गाइस वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, तो चलते हैं हम अपने आईफोन की स्क्रीन पर।